जय हिंद एवरीवन, कार्तिक, नीतीश, दीपांशी, अभिषेक, सौरभ, जय हिंद बेटा, जय हिंद एवरीवन। जल्दी जल्दी से सारे बच्चे आ जाएं सो दैट वी कैन स्टार्ट दिस सेशन। क्विक ऑल ऑफ यू, देखो ये जो आज की क्लास है आपकी, इट इज प्योरली ओरिएंटेड टू योर 21 अप्रैल। ये आपकी 21 अप्रैल को टारगेट करते हुए है, और क्योंकि इस बार जो पैटर्न आया था दैट वाज अ स्लाइट चेंज, जहां पे हम लोगों को होमोफोन्स का यूज देखने को मिला। अगेन नथिंग न्यू, बट बच्चों में इसका थोड़ा सा डाउट और थोड़ा सा एक क्यूरियोसिटी रही है, सो दैट इज व्हाई आज का ये जो सेशन है ये प्योरली उसको लेके होगा, ठीक है। जिनकी इंग्लिश बहुत कमजोर है बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक से इस चीज को समझाया जाएगा, बट आपको प्रॉमिस करना है कि आपको अंत तक बने रहना है। तो जल्दी से सारे बच्चे, सबसे पहले तो प्रॉमिस करें कि सारे बच्चे लास्ट तक बने रहेंगे और इस वीडियो को बहुत ही पेशेंटली इस क्लास को करेंगे, क्योंकि पेशेंस और कंसिस्टेंसी ये दो ही कीवर्ड्स हैं जो आपको फाइनल सिलेक्शन दिला चुके हैं। जिन बच्चों ने लास्ट अटेम्प्ट दिया था, बच्चों आप ओवर कॉन्फिडेंट होके देख चुके हैं, थोड़ा मेहनत करके देख लो और असली वाली मेहनत, ठीक है। तो जल्दी से सारे बच्चे थम्स अप करके बताएं, ऑल ऑफ यू रेडी? जल्दी से सारे बच्चे थम्स अप करके बताएं, सारे बच्चे रेडी? आशु, युवराज, पुष्पा, यस, जल्दी जल्दी से सारे बच्चे प्रॉमिस करें। विकास, जय हिंद बच्चा, जय हिंद एवरीवन। देखिए आपसे हम सिर्फ और सिर्फ 50% मांग रहे हैं, आई एम रेडी टू गिव माई 200%। तो अब आपको जानना है कि आप 50% देने के लिए रेडी हो, अगर आपको मेरा 200% चाहिए इसके लिए। बिल्कुल सुयांश, बिल्कुल बिल्कुल, मोर ऑर लेस एक घंटे। आशु नलायक, आकाश राज, यश प्रताप मौर्य, विशेष, रुद्र, कपिल, तुम अभी से सो जाओ आशु, मोहन सिंह। चलिए लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। एक बार जल्दी से जोरों से सेशन को लाइक और शेयर कर दिया जाए ताकि मेरा भी जोश हाई हो जाए, और वैसे भी अगर आपका जोश हाई नहीं होगा तो किसका होगा, आप तो फ्यूचर एनडीए एस्पिरेंट्स है ना बच्चों, एनडीए सीडीएस, और ये क्लास इंपॉर्टेंट है एनडीए सीडीएस सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि होमोफोन्स एक ऐसा टॉपिक है जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्म में पूछा जाता है, ठीक है। तो सारे बच्चे रेडी हो जाते हैं, चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। अब होमोफोन्स होते क्या है सबसे पहले तो ये समझते हैं, जिसको हम होमोनिम्स के नाम से भी जानते हैं। बच्चों कई बार हमको शब्द मिल जाता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ये वो शब्द होते हैं जिनकी स्पेलिंग और जिनका मीनिंग दोनों डिफरेंट होते हैं। बच्चों इनकी स्पेलिंग और इनका जो मीनिंग होता है, मतलब होता है, दोनों अलग होते हैं, बट इनका जो साउंड होता है, इनका जो एक्सेंट होता है, जो प्रोनंसिएशन होता है, वो ऑलमोस्ट सेम होता है। वो कैसा होता है? ऑलमोस्ट सेम होता है। ऐसे शब्द को हम होमोनिम्स के नाम से जानते हैं। इज दैट क्लियर? इतनी सी बेसिक सी बात सबको समझ में आ गई? हाँ हाँ, भारत माता की जय। बिल्कुल, कविता आपको भी ऐड कर लेंगे। जय हिंद एवरीवन, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए सारे बच्चे, और बिल्कुल बोरिया बिस्तर बांध के बैठ जाइए सिर्फ और सिर्फ पढ़ने। बहुत अच्छा एक सेशन होने वाला है और बहुत बेसिक से आपको सिखाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक दिया हुआ है, ब्रीथ और ब्रेथ, बहुत स्लाइट डिफरेंस है बच्चों, बट एग्जाम में आने के लिए काफी है, एग्जाम में मैथ्स दिलाने के लिए काफी है, बिल्कुल काफी है। तो चलिए सबसे पहला वर्ड आपके सामने, वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग होगी और ये होमोफोन्स का डर भी खत्म हो जाएगा आपके दिमाग से, ठीक है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। आदित्य जैन बेटा, अनुराग जैन, सौरभ, बिल्कुल स्वीकार और अमीर। पहला वर्ड आपके सामने दिया है परस्पिकैसिटी। क्या दिया हुआ है? परस्पिकैसिटी। अब देखो बच्चों, परस्पिकैसिटी शब्द अपने आप में आपके लिए बिल्कुल एलियन हो सकता है, बट परस्पिकैसिटी का मतलब होता है समझदारी। क्या होता है? समझदारी। अब आप देखो, ये इतना होशियार बच्चा, एकदम तुम लोगों की तरह होशियार है ना, सोच रहा है कि क्या होने वाला है। तो देखो परस्पिकैसिटी का मतलब क्या हो जाता है? समझदारी, जिसका सिनोनिम भी है अक्यूमेन, जिसका सिनोनिम है इंटेलिजेंस। क्या है इसके सिनोनिम? इंटेलिजेंस, समझदारी। क्या हो जाएगा बच्चों? समझदारी। शाहिद जैन बेटा,
अभिषेक इसकी पीडीएफ मिल जाएगी बिल्कुल। प्रेरणा जय हिंद। पेरिस्पिकैसिटी का मतलब क्या हो गया? समझदारी। अब इसी से एक संबंधित शब्द है परस्पिक्विटी, वो था परस्पिकैसिटी और ये है परस्पिक्विटी। इसका मतलब हो जाता है स्पष्टता, मतलब अपनी बातों को रखने की क्लैरिटी, जिसके सिनोनिम्स हो जाएंगे क्लैरिटी, प्लेननेस, ट्रांसपेरेंसी। ये देखो कितनी स्पष्टता से अपनी बात इस बच्चे को समझा रही है। तो परस्पिकैसिटी और परस्पिक्विटी में मतलब डिफरेंस। परस्पिकैसिटी माने अक्यूमेन, समझदारी। परस्पिक्विटी माने स्पष्टता। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, तो अब जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ए बी सी की डी। डिसर्न का मतलब होता है समझना, डिसर्न का मतलब होता है समझना। अब सारे बच्चे आंसर करें ए बी सी की डी। क्विक ऑल ऑफ यू, सौरभ, रौनक, मनीष, प्रेरणा, शाहिद, अभिषेक, बिल्कुल सबको ऐड कर लेंगे, सक्षम। परस्पिकैसिटी का मतलब क्या बताया था? समझदारी। क्या सिखाया था? समझदारी। जबकि परस्पिक्विटी का मतलब कोई बात को क्यूटली बता देना, समझा देना, है ना। इसका मतलब क्या बताया था? स्पष्टता। जल्दी से बताओ ए बी सी डी, ऑल ऑफ यू क्विक। सबसे पहला आंसर कविता का। विशाल, सेशन को लाइक करना है बेटा। प्रियांशु, पुष्पा, अब देखो सारे बच्चे आंसर दे पा रहे हैं ना समझने के बाद। ऐसे ही हम लोग करेंगे आगे के क्वेश्चंस, पहले समझेंगे फिर क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे, ठीक है सारे बच्चे। मोहन, स्टडी नॉलेज, आकाश, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। ल्यूसिडिटी का मतलब होता है आसानी, एक्सप्रेशन, अपनी बात को रखने में आसानी होना। आकाश, ल्यूसिडिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू स्पीक प्रॉपरली, ल्यूसिड वे में, क्लियर वे में। ल्यूसिडिटी का मतलब होता है क्लियरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने में स्पष्टता होना। एग्जैक्टली, जिसका जिसका आंसर ए है, बिल्कुल सही जवाब। डी ऑप्शन वाले सुने, परस्पिकैसिटी का मतलब तो डिसर्न दिया है, बट ये टेनासिटी मतलब क्या हो जाता है? टेनासिटी का मतलब हो जाता है अनेबल टू अंडरस्टैंड, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? ए फॉर एप्पल। क्लियर है सबको? जल्दी से थम्स अप करके बताओ, सबको क्लियर है? आशु, नीतीश, गौरव, विकास, आकाश, मोहन, अभिषेक, स्टडी नॉलेज, पुष्पा, जल्दी जल्दी से सारे बच्चे थम्स अप करके बताएं, दिस वर्ड इज क्लियर सबको। नोट डाउन भी करते चलिएगा सारे बच्चे। देखो पीडीएफ वगैरह तो ठीक है, बट जितनी मेहनत तुम नोट डाउन करते करते चलोगे ना, वो मेहनत अल्टीमेटली तुम्हारी हेल्प करेगी। तो इसके मीनिंग्स को नोट डाउन करते चलो। परस्पिकैसिटी माने समझदारी, बाद में फिर से नोट डाउन कर लेना वीडियो को देख के, ठीक है? अभी समझ लो, नोट डाउन करना हाथों से, पीडीएफ तो हम दे ही देंगे। सिनोनिम, अक्यूमेन, इंटेलिजेंस, परस्पिक्विटी, स्पष्टता, बोलने में क्लैरिटी, प्लेननेस, ट्रांसपेरेंसी। इमेज देख के क्लियर करो, इमेज देख के क्लियर करते चलो, क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है, ये है कॉम्प्लेसेंट। ये वर्ड क्या है? कॉम्प्लेसेंट। और एक वर्ड होता है कॉम्प्लेसेंट, सीईएनटी। देखो वर्ड कितना डिफरेंट है बट प्रोनंसिएशन मोस्ट और लेस सिमिलर है। कॉम्प्लेसेंट, 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 कॉम्प्लेसेंट। सी ओ एम पी एल ए आई एस ए एन टी का मतलब होता है इच्छुक। इसका मतलब क्या हो जाता है बच्चों? अभी देखो कितना इच्छुक है खाने में। सिनोनिम, विलिंग, अग्रीएबल। जबकि सी ओ एम पी एल ए सी एन टी का मतलब हो जाता है खुश होना। इसका मतलब क्या हो जाता है बच्चों? खुश होना। हाँ जी प्रेरणा, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। वैंडर वॉन्डर, बिल्कुल होता है बच्चों। सुयांश, विशाखा, कविता, दीपांशु, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। कंप्लेसेंट का मतलब इच्छुक, विलिंग, अग्रीएबल, जबकि कंप्लेसेंट का मतलब खुश, खुद से खुश होना, खुद से बहुत ज्यादा प्लीज्ड हो जाना, प्लीज्ड,
हैप्पी विद वन सेल्फ. देखो ये आराम से व्हील चेयर अपना चेयर पे बैठा हुआ है, ट्विस्टिंग चेयर पे, और आराम से खुद ही से खुश हो कि क्या कर रहा है, खा पी रहा है ना. रिलेट करो बच्चों, इसीलिए आपके सामने इमेज लाई है ताकि आप दिमाग से उसको रिलेट कर पाओ. ये क्या है, कॉम्प्लेसेंट. सेंट माने देखो क्या होता है, पैसा. अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम खुद ही से खुशी ढूंढ लेंगे. रिलेट करो, कॉम्प्लेसेंट. सेंट, सेंट माने खुशी. पैसा होगा हम खुद ही से खुशी ढूंढ लेंगे, राइट. और इससे पहला वर्ड क्या है, कॉम्प्लेसेंट. अब ये क्या है, ये शांत हो गए, इच्छुक है, सेंट है. ये साधु बनना चाहता है, सेंट, एस ए आई एन टी, सेंट. ये साधु बनने का इच्छुक है, ठीक है. रिलेट हो गया, ये सुनो. जैन शशांक, रिलेट हो गया बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड ऑल ऑफ यू. अब आ जाओ, अब आप बताओगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा. ए बी सी डी, अनुराग कोरी, शशांक जाट. बेटा अपनी मम्मी से भी तुम ऐसी बातें करते हो. प्रेरणा, अंश. और जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर दो अगर समझ में आ गया है कि भाई आगे मजा आने वाला है बहुत ज्यादा. एस ई एन टी, सेंट का मतलब होता है भेजना. सेंट का मतलब होता है भेजना. विशाखा, गौरव, सौरभ, जल्दी जल्दी से सारे बच्चे सेशन को लाइक कर दें. कॉम्प्लेसेंट का मतलब इच्छुक. कॉम्प्लेसेंट का मतलब इच्छुक. कॉम्प्लेसेंट का मतलब खुद से खुश होना. खुद से खुश होना, है ना. जल्दी से बताओ ए बी सी डी, क्विक ऑल ऑफ यू. जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं जो लोग, वो खुद से खुश रहते हैं ना, बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रह जाते हैं. अब यहाँ पे क्या है, इच्छुक हो रहे हैं हम, दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ईगर है, उत्सुक है हम, हमारे अंदर उत्सुकता है. उत्सुकता, ईगरनेस, उत्सुकता है हमारे अंदर. और कॉम्प्लेसेंट, खुद से ही खुश हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट, मतलब हम ही है जो है, बस उसके आगे कुछ नहीं है, बिल्कुल. अजय कुमार जैन बच्चा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. अभिषेक बच्चा, देखो इन द सेम प्लेस तो नहीं हो सकता ना, सेम प्लेस दिया है हमने तो, ये मीनिंग ही नहीं बताया था आपको, फिर आपने क्यों मार्क किया. नहीं नहीं, एक बार ही काफी है बच्चों. अनुराग बच्चा, देखो डी क्यों नहीं हो सकता, कॉम्प्लेसेंट का मतलब वो कॉन्फिडेंट नहीं होता, CENT का मतलब होता है ओवर कॉन्फिडेंट. हम खुद से ही सब कुछ कर लेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है दूसरों की, इसका मतलब होता है, CENT का मतलब होता है. ये उल्टा दे दिया है बच्चा यहाँ पे अनुराग, ध्यान दो, ठीक है. तो जितने बच्चों ने बी ऑप्शन दिया है, वेरी गुड, सबको क्लियर हो रहा है, हर एक बच्चा इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चा समझे इस बात को कि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वोकैबुलरी के फॉर्म में, होमोफोन्स के फॉर्म में, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी इंपॉर्टेंट है बच्चों. तो ये तीन टारगेट को पूरा करते हुए सेशन है. क्विक, वेरी गुड ऑल ऑफ यू. शांतनी, अनुराग, अनुष्का, आर्यन, रसीदुल, वेरी गुड, वेरी गुड ऑल ऑफ यू. आ जाइए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन. रटना नहीं है, समझो. ये देखो कॉम्प्लीमेंट, अगर हम कॉम्प्लान समय पे पी लेते हैं, ए आई एन, कॉम्प्लान समय पे पी लेते हैं तो हमको कॉम्प्लीमेंट मिलता है, अरे वाह इस बच्चे ने तो बिल्कुल जल्दी जल्दी काम कर लिया. तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, प्रशंसा. क्या हो गया, प्रशंसा, प्रेज, एक्सटॉल. होगा नहीं होगा, जल्दी से बताओ, होगा ना, प्रेज, एक्सटॉल. वेरी गुड सुयांश, वेरी गुड सौरभ, यस यस सत्या, सत्या दिस इज जस्ट रिलेशन, दिस इज जस्ट रिलेशन. बट खुद से खुशी होना, ओवर कॉन्फिडेंट ऐसे हुआ कि मतलब हम खुद से ही हर चीज अपना टैकल कर रहे हैं, ठीक है, हमें विश्वास है कि हम खुद ही अकेले रह के सब कुछ कर लेंगे, सो दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस. सुयांश, आकाश राज, क्लियर है, जल्दी जल्दी से. कॉम्प्लीमेंट का मतलब जब हम कॉम्प्लान, जब हम कॉम्प्लान समय पे पी लेते हैं तो हमें कॉम्प्लीमेंट मिलता है. कॉम्प्लीमेंट माने प्रशंसा, प्रेज, एक्सटॉल. और हम क्या सिनोनिम्स हो सकता है, कमेंड हो सकता है बच्चों. क्या सिनोनिम हो सकता है, कमेंड हो सकता है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू. तो ये सारे शब्द करते रहिए, सारे कॉमन शब्द हैं और एग्जाम में आने वाले शब्द हैं. कॉम्प्लीमेंट, इसका होमोनिम कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक,
कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाता है? रौनक, इंडिया पाकिस्तान का मैच तुमको हम दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं बेटा, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता रहेगा, आपको अपना भविष्य बनाना है वरना इंडिया पाकिस्तान मैच देखते देखते ही काम चलेगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? पूरक या अनुकूल होना। क्या होना? अनुकूल होना। क्लियर है दोनों वर्ड सबको? हाँ या ना? जय हिंद नितिन राव, जल्दी से बताओ सबको क्लियर है, यस और नो? अब जैसे हमने बोला राहुल और श्याम एक दूसरे को अच्छे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ काम बढ़िया करते हैं एज अ टीम, एक टीम के तौर पे एक दूसरे के क्या है, ये पूरक है, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये क्या है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या हो गया? कमेंड, प्रशंसा करना। दोनों वर्ड्स क्लियर है सबको? दोनों वर्ड्स क्लियर है सबको? आ जाओ बताओ क्या हो जाएगा क्वेश्चन। कॉमेंट, वेरी गुड, पूरक, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, जल्दी से सारे बच्चे बताएं क्या होगा। ए बी सी डी, देखिए हम चाहते तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर सकते थे, इतनी मेहनत बस इसीलिए की है कि आपको हर एक वर्ड समझ में आना चाहिए विद मीनिंग एंड सिनोनिम्स, विद मीनिंग एंड सिनोनिम्स। जल्दी से सारे बच्चे सेशन को लाइक कर दें, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। तो कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? बिल्कुल, जिसने जिसने, अब देखो इनहांस का मतलब बढ़ावा देना, टू गो वेल विद, ये नहीं होता, वो तो ये होता है, उल्टा हो गया। बिल्कुल सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी जिसका जिसका है अपने लिए क्लैपिंग कर लो कि आपको समझ में आना शुरू हो गया है और आप नॉर्मल बच्चे ही हो जिसको समझ में आता है। जल्दी से क्विक, अजय कुमार, सौरभ, प्रियांशु, मॉन्स्टर स्टेटस, सुयान, झनक, सुमित, नितिन राव, अनुराग कोरी, आश्रु, विशेष, अंश, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, ब्रावो। बच्चों मेहनत करने वाले बच्चे सच में बहुत कम होते हैं और फिर उनको लगता है कि मेरा एग्जाम क्यों नहीं हुआ। अरे भाई जब मेहनत नहीं करिएगा, एग्जैक्ट चीजें जो एग्जाम में आती है उसको नहीं पढ़िएगा, एग्जाम कैसे होगा बच्चों? आकाश, आशीष, हम मेहनत करने से तो डरते हैं बट सफलता पूरी चाहिए, वो बराबर होनी चाहिए हमारी। अरविंद, दीक्षा, तो बच्चों ये जितने भी भाई हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स या ऑनलाइन स्टूडेंट्स अभी तक नहीं आए हैं तो प्लीज अगर आप ऑफलाइन आ सकते हैं तो उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, बट ऑनलाइन के लिए भी सीडीएस, एनडीए, सीपीएफ, एफकैट, एसीसी, हर एक स्ट्रीम में आपकी ऑनलाइन तैयारी शुरू हो गई है, जहां पे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट और डाउट सेशन, और सबसे बड़ी चीज सिर्फ 2499, मतलब 2499 में, और बेस्ट रिजल्ट देने वाला इंस्टीट्यूट है एमकेसी। सो इसके लिए जल्दी जल्दी से आ जाएं। आपको सीधा क्या करना है, एमकेसी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और कॉल करना है 9696330033 पे। आ जाओ नेक्स्ट वर्ड। अब ये दोनों आमने सामने दे दिए हैं ताकि आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है? एक वर्ड है बच्चों डिफाई और एक वर्ड है डिफाई। डिफाई, डिफाई, डिफाई का मतलब क्या होता है कि हम किसी को भगवान मान रहे हैं। टू टेक वन एज गॉड, टू टेक एज गॉड मतलब हम किसी को क्या कर रहे हैं, देवत्व प्रदान कर रहे हैं, हम ट्रीट कर रहे हैं उसको देवता जैसा। जैसे कई बार होता है किसी किसी को मान लेते हैं, अरे ये तो देवता है मेरे पास, है ना, तो हम मान रहे हैं उनको देवता। डिफाय मतलब क्या हो गया? अवज्ञा करना, डिसओबे करना किसी की, डिसरिस्पेक्ट करना किसी की, चैलेंज करना किसी को। क्लियर है दोनों वर्ड्स? ये क्या है बीच में? आई, आई, जैसे मान लो आई, हम मान रहे हैं ना आई एम गॉड, हम किसी को भगवान मान रहे हैं, आई एम गॉड, ऐसे रिलेट करो। डिफाई, आई एम गॉड, डिफाई, डिफाई करना किसी को, अवज्ञा करना किसी की, निंदा करना, है ना, नॉट एग्जैक्टली, ना डिसरिस्पेक्ट करना हम कह सकते हैं, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट, डिसओबे, हम बात ही नहीं मान रहे किसी की, दोनों में डिफरेंस है बच्चों, है ना, एग्जैक्टली, सत्या, माता पिता को, वेरी गुड, वेरी गुड सुयांश, वेरी गुड अंश, तो हम किसी को क्या कर रहे हैं, डिफाई कर रहे हैं, है ना, भगवान मान रहे हैं, ये क्या है, डिफाई, धोखा दे रहे हैं। आई गॉड, एफ वाई, सिर्फ एफ वाई, अवज्ञा करना। क्लियर है दोनों वर्ड्स? क्लियर है सबको दोनों वर्ड्स? शिव पूजन, वेरी गुड, ग्लोरीफाई, वेरी गुड। आ जाओ क्वेश्चंस, ऑप्शन बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। डिफाई, डिफाई मतलब क्या था? भगवान मानना, भगवान मानना,
और ये क्या है डिफाय, अवज्ञा करना. बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा. ए बी सी डी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं. अगेन टेलिंग यू पीपल, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. जैन, शिव, पूजन, सुयान, सत्या, मोहन, वेरी गुड. जल्दी जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा. ए बी सी डी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. लेट अस सी सबसे पहले कौन देता है आंसर. सौरभ बी, बेटा सौरभ बी में देखो क्या कर रहा है. डिफाइ मीन्स टू कॉन्फर अपॉन वन द स्टेटस ऑफ गॉड, वेरी गुड. बट डिफाइ का मतलब डिनाई, डिनाई मतलब मना करना. ऐसा जरूरी नहीं अगर आपने किसी को मना किया तो आप उसकी बेइज्जती ही कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है. समझ रहे हो मॉन्स्टर स्टेटस. बेटा जो बी ऑप्शन आप दे रहे हो समझो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर आपने किसी को कोई चीज इनकार कर दी. मान लीजिए आपको कोई चीज कोई दे रहा है, आप कह दो कि अरे नहीं सॉरी, तो आप मना करके उसकी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं. दैट इज रॉन्ग, दैट इज सिंपली रॉन्ग. शशांक, मनोज, प्रियांशु, सुशील, सुशील बेटा व्हाट डिड यू से, आई डिड नॉट गेट यू एग्जैक्टली. तो बच्चों हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल. यहाँ पे क्या है डिफाई मतलब टू कन्फर वन अपॉन द स्टेटस ऑफ गॉड, किसी को भगवान की बद्धती देना. जबकि डिफाई का मतलब हो जाएगा अपोज, किसी की क्या करना, चैलेंज करना, किसी के अगेंस्ट जाना, किसी को क्या करना, डिसरिस्पेक्ट करना. स्टडी नॉलेज बेटा सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, यहाँ पे तो मतलब ही बिल्कुल अलग दे दिया गया है. प्लीज अपनी आंखों से काम करो, है ना, ये ब्लंडली हवा में तीर मत मारे, एक्ट नॉर्मली, थोड़ा अच्छे से सेंटेंस को पढ़े और बात करें. वेरी गुड आकाश राज, वेरी गुड रसीदुल, विशेष आकाश, बिल्कुल बिल्कुल. जनक, मोहन, सौरभ, सौरभ कुमार, वेरी गुड. आ जाओ नेक्स्ट वर्ड पे. तीन वर्ड्स, थ्री इंटू सॉरी चार वर्ड्स हम लोग कर चुके हैं, फोर इंटू टू एट, आठ शब्दों के मतलब विद सिनोनिम्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना. ये बात बहुत जरूरी होती है बच्चों, हम अपने समय को कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो. भाई पढ़ता तो हर बच्चा है, बट अडेप्टली पढ़ना और यूटिलाइज करना हर एक मोमेंट को, दैट मेक्स अस स्टैंडिंग आउट फ्रॉम ऑल. वो हमको अलग करता है बाकियों से. आ जाइए जल्दी से सारे बच्चे. नेक्स्ट वर्ड आपके सामने दिया हुआ है इवोक. इवोक का मतलब क्या हो गया, इवोक का मतलब होता है किसी की स्मृति को जगाना, किसी से एक रिस्पॉन्स लेना. जैसे क्लास में टीचर खड़ा होकर बच्चों से कहता है ना, अरे जवाब तो दो, अरे जवाब तो दो. तो इवोक का मतलब हो जाता है स्मृति को जगाना. ये लोग देखो ना टीचर खड़े होकर बोल रहे हैं अरे नलायको सुन तो लो. तो यहाँ पे क्या हो गया, अराउज, रिकॉल. हम क्या कर रहे हैं, किसी से क्या कर रहे हैं, जवाब की उम्मीद कर रहे हैं. आई एम एलिसिटिंग अ रिस्पॉन्स, टू एलिसिट अ रिस्पॉन्स, किसी से जवाब निकलवाना. बहुत मुश्किल होता है बच्चों क्लास में बच्चों से जवाब निकलवाना, समझ में आया, 10 बार बोलना पड़ता है. जैसे आपसे बोलना पड़ता है बच्चों सेशन को लाइक कर दो, सेशन को लाइक कर दो, ऐसे रिस्पॉन्स को एलिसिट कराना बहुत मुश्किल होता है ना. गिव रिस्पॉन्स, वेरी गुड अभिषेक. हाँ ऑलमोस्ट डेली होगी बच्चों, और जब जब होगी आप तक पहुंचेगा नोटिफिकेशन, डोंट वरी, है ना. एलिसिट अ रिस्पॉन्स मतलब स्मृति को जगाना. ये हो गया इवोक. इनवोक ये क्या है बच्चों, इनवोक. इनवोक का मतलब क्या हो गया, बुलावा भेजना, कॉल ऑन अपील. मतलब किसी को किसी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, देखो लड़की यहाँ पे खड़े होके बुलावा भेज रही है ना, अरे सुनो तो ये क्या कर रही है, बुलावा भेज रहा. इनवोक किसी को क्या करना, इन अंदर आके उसको बिल्कुल बोलना, अरे भाई तुमको कोई बुला रहा है बाहर. इनवोक, और वो क्या है, इवोक, स्मृति को जगाना. टू एलिसिट अ रिस्पॉन्स, किसी से जवाब मांगना, हासिल करने की कोशिश करना. बच्चों ये दोनों वर्ड्स क्लियर हैं, हाँ या ना, जल्दी से सारे बच्चे थम्स अप करके बोल दो. 3 घंटे हो चुके हैं बोलते बोलते, सारी क्लासेस में अभी भी बोल रहे हैं, तो तुम लोग रिस्पॉन्स दो. क्लियर हो रहा है. मॉन्स्टर, आशु, सौरभ, अंश, वेरी गुड. विशेष, जैन बेटा, कांशा, जयंत, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड ऑल ऑफ यू. तो यहाँ पे क्या हो गया, चलो अब जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा. ए बी सी डी, क्विक ऑल ऑफ यू. सौरभ, सत्या, नीतीश, बुलाती है मगर जाने का नहीं. हाँ बिल्कुल नहीं जाने का, पढ़ाई में मन लगाने का, इधर उधर नहीं भटकने का.
और क्लास से तो बिल्कुल नहीं जाने का। प्रियांशु, नितिन, वेरी गुड। अब बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा बच्चों, ए बी सी डी। चलो अभी देखते हैं आकाश किसका सबसे पहला आंसर आएगा। शशांक, वेरी गुड। नितिन, गुड आफ्टरनून। जसवंत, गुड आफ्टरनून। बच्चा, अच्छे बच्चे हो तुम लोग, होशियार हो। विकास ने सबसे पहले आंसर दे दिया 5 का ए। बट सुयांश ने दिया डी। स्टडी ने दिया ए। नोट सब ने दिया जय हिंद। जय हिंद बेटा। अनुराग बेटा भी नहीं। सौरभ ने दिया सी। सुनाली शाह ने दिया डी। आकाश ने दिया सी। ए बी सी डी सब आ गए। ई एफ डी देते तुम लोग, ई एफ भी देते आंसर, तुम लोग ई एफ भी आंसर दे देते, हमें पूरा भरोसा है। इवोक का मतलब क्या हो गया, टू एलिसिट अ रिस्पॉन्स, किसी से जवाब मांगना, है ना, हासिल करने की कोशिश करना। इनवोक का मतलब बुलावा भेजना, है ना, बुलावा भेजना। अब देखो जिसने ए लगाया, एलिसिट अ रिस्पॉन्स तो ठीक, बट प्रोवोक मतलब समझते हो, उत्तेजित करना किसी को, किसी को उकसाना, गलत काम के लिए उकसाना। अरे भाई गलत काम के लिए तुम कहां उकसा रहे हो, यहाँ पे बिल्कुल नहीं उकसा रहे, ए गलत। टू कॉल अपॉन, अपील, नहीं। इवोक का मतलब बुलावा तो भेजना ही नहीं है, हम तो कह रहे हैं तुम बैठे बैठे जवाब तो दो हमें, दैट इज इवोक, दैट इज वॉट इवोक, ठीक है। इनवोक टू एलिसिट अ रिस्पॉन्स, ये तो उल्टा हो गया, नॉट पॉसिबल। Evoke means to provoke, नहीं, provoking की तो कोई बात ही नहीं हुई। बचा कौन सा ऑप्शन, डी फॉर डेली। क्लियर है सबको, कोई बात नहीं आकाश बेटा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। एग्जैक्टली डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों ऑप्शंस में एलिमिनेशन इज द वेरी परफेक्ट थिंग दैट यू कैन डू इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, अपने आप में ये बहुत ही अच्छी चीज हो जाती है। बच्चों शिव, पूजन, मॉन्स्टर, सौरभ, वेरी गुड। प्रकाश, मजा आ रही है सारे बच्चों को, जल्दी जल्दी से बताओ मजा आ रही है ना इन क्वेश्चंस में, हाँ या ना। विकास, सुयांश, वेरी गुड। डी इज द करेक्ट आंसर। पवन ठाकर, बिल्कुल बच्चा डी इज द करेक्ट ऑप्शन, वेरी गुड। कोई बात नहीं, देखो रॉन्ग होने पे सॉरी वॉरी मत बोला करो, अभी तो तुम लोगों का समय है सीखने का, समय है, सीखो। अभी नहीं सीखोगे बाद में गलत करके आओगे, उसके लिए सॉरी फिर होना पड़ेगा, उससे अच्छा पहले गलत करके सॉरी होके सीख के फिर जाओ, ठीक है। चलो वेरी गुड, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, आ जाइए नेक्स्ट। ये देखो ये बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है और बच्चों बहुत अच्छा वर्ड है, आज आपको इनके बीच में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। सिंपथी और एम्पथी, ये दो शब्द हैं और बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि मैम सिंपथी क्या होता है और एम्पथी क्या होता है, और बहुत बच्चों को ये क्लियर भी नहीं होगा, बट आज क्लियर हो जाएगा, है ना झनक, बिल्कुल आज बच्चा क्लियर हो जाएगा कि सिंपथी और एम्पथी में डिफरेंस क्या है। देखो सिंपथी का मतलब होता है सहानुभूति, मतलब हम क्या कर रहे हैं, सामने वाला रो रहा है, अरे तुम क्यों रो रहे हो, अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम है ना तुम्हारे साथ, मतलब हम उसकी भावनाओं से बिल्कुल कदर नहीं कर रहे हैं, बट हम क्या दिखा रहे हैं, ये झूठा दिखावा दिखा रहे हैं कि अरे भाई तुम रो मत, हम है तुम्हारे साथ। दिस इज सिंपथी, जहां पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाले के अंदर या उसकी फीलिंग्स क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ क्या दिखा रहे हो, उसको पिटी, उस पे दया दिखा रहे हैं, दया, क्या दिखा रहे हैं, दया। अगर आपसे बोल दिया जाए कि आप उसकी जगह रह ले, नॉट पॉसिबल, दैट इज सिंपथी। वो क्या है बच्चों, सिंपथी है, ये नेगेटिव शब्द है सिंपथी। एम्पथी, एम्पथी मतलब हम खुद खाली होके सामने वाले के साथ क्या कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, मतलब एम्पथी का मतलब हो जाता है टू फील हाउ समवन इज फीलिंग, उसके साथ बैठ के उसके साथ उसके साथ उसके इमोशंस को शेयर करना, ये होता है एम्पथी। बच्चों क्लियर हुआ, जल्दी से बताओ क्लियर हुआ। एम्पथी माने किसी की फीलिंग्स को समझना, अंडरस्टैंड करना, है ना, अंडरस्टैंड वंस फीलिंग्स, किसी की फीलिंग्स को क्या करना, समझना। जबकि सिंपथी का मतलब क्या हुआ, सिर्फ शेयर करना, टू शेयर अनदर्स फीलिंग्स, किसी की भावनाओं को सिर्फ आप अपने साथ शेयर कर लो और बस चल दो मटक के। तो सिंपथी का मतलब क्या हो गया कि हम किसी के लिए सिर्फ सहानुभूति दिखा रहे हैं, मतलब शेयर कर रहे हैं सामने वाले के भावनाओं को। जबकि एम्पथी का मतलब क्या हो गया, हम फील कर रहे हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा,
बच्चों क्लियर हो गया सबको? सुयांश वेरी गुड, शशांक यस। आजकल लोग क्या दिखाते हैं? एम्पथी नहीं दिखाते, ये एम्पथी ना सिर्फ माँ बाप दिखाते हैं और आपके टीचर्स दिखा सकते हैं, बस सिंपथी पूरी दुनिया दिखाती है, ऐसे समझो। सिंपथी पूरी दुनिया दिखाएगी जिसको आपसे एक पैसे की कोई मतलब नहीं है। एम्पथी सिर्फ माँ बाप और आपके टीचर्स दिखा सकते हैं। क्लियर? क्लियर हो गया? भावनाओं की कदर करना। अब बताओ ए बी सी डी क्या हो जाएगा सारे बच्चे? वेरी गुड विकास, आर्यन, पवन ठाकर, अनमोल, यस आर्यन वेरी गुड, एग्जैक्टली। लोग सिंपथी दिखाते हैं, अब तुम लोग हम पे सिंपथी ना दिखाओ और एम्पथी दिखा के जरा सेशन को लाइक करो और शेयर करो। सुयांश यस, अकार, सौरभ एग्जैक्टली, स्टडी नॉलेज, विशेष प्रताप, हिमांशु तिवारी वेरी गुड। बच्चों जल्दी से बताओ, स्टडी नॉलेज ने सबसे पहले आंसर दिया ए। जनक थैंक यू बच्चा, प्रियांशु वेरी गुड वेरी गुड। आकाश बेटा तुमने सी क्यों दे दिया? सी का मतलब समझ रहे हो? सिंपथी मतलब पिटी करना, दया दिखाना, सिंपथी मतलब दया दिखाना, ठीक। बट एम्पथी का मतलब एम्फसाइज थोड़ी करना, एम्पथी का मतलब क्या हो गया? अंडरस्टैंड करना। एम्फसाइज मतलब तुम सब ध्यान फोकस कर रहे हो, फोकस फोकस नहीं करना है, समझना है, समझना है बच्चों। एक शब्द से तुम लोग गलत हो रहे हो। एम्फसाइज का मतलब क्या होता है? सिर्फ जोर देना। अरे भाई बोलो तो, तुमको क्या दिक्कत है, बोलो तो, ऐसा करना, जोर देना। अंडरस्टैंड माने समझना, उसकी भावनाओं के साथ कदर करना, उसकी डिफरेंस है दोनों। वेरी गुड सौरभ एग्जैक्टली, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, बिल्कुल ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एक एक शब्द बच्चों होमोफोन्स में गड़बड़ आ जाए ना, पूरा क्वेश्चन गड़बड़ कर देता है, पूरा क्वेश्चन गड़बड़ कर देता है। वेरी गुड अनुराग कुरी, मॉन्स्टर सौरभ, बच्चों जिसका जिसने सी दिया था क्लियर है? जल्दी जल्दी से चलो थम्स अप करके बताओ। देखो भाई तुम लोग ऑनलाइन हो, मेरे सामने तो हो नहीं, हाउ विल आई गेट टू नो कि समझ में आ रहा है। सो मेक इट श्योर कि आप हर टॉपिक के बाद, हर क्वेश्चन के बाद थम्स अप कर दिया करें, सो दैट आई एम हैप्पी कि आप तक मेरी बातें पहुंच रही है। इज दैट क्लियर? आशीष वेरी गुड, नोट्स अप सौरभ, आशीष, अंबुज वेरी गुड, अनुराग वेरी गुड। अब इसके बाद जो आपको मिलने वाला है ना, वो वही मिलेगा जो अभी हमने आपको क्वेश्चन पूछा था, और हम उम्मीद रखते हैं कि सबसे पहले इसमें आंसर। यस आकाश एग्जैक्टली, एक वर्ड से गड़बड़ हो जाती है। हम उम्मीद करेंगे कि आप इसका आंसर दें, बट उससे पहले ये जान लें कि ऑफलाइन क्लासेस, मेजर कॉलेजी क्लासेस में एनडीए सीडीए सीपीएफ एफकैट की ऑलरेडी रन कर चुकी है, और जिसकी जो फीस है वो 30,000 हो चुकी है। तो इस नॉमिनल फी रेट को कवर करने के लिए और सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट का, अरे भाई हम भी तो जाने कि आप हैं कौन, तो आ जाए ऑफलाइन सारे बच्चे। तो सबसे अफोर्डेबल प्राइस में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान है ये, एडमिशन ओपन है 100% गारंटीड के साथ, पीट पीट के पढ़ाया जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, बट हाँ अगर आप उसके बाद भी परफॉर्म नहीं करते हैं और शैतानी करते हैं तो जरूर पीटा जाता है। तो चलिए जल्दी जल्दी से आ जाए ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन का बच्चों कोई तोड़ नहीं है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप पहले दोगे फिर हम समझाएंगे। चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो। रितेश बेटा आई एम ऑलरेडी टीचिंग इन एनडीए ऐप, हम ऑलरेडी एनडीए ऐप पे टीच कर रहे हैं। रितेश, आशीष, सचिदानंद, पूजन, सौरभ, पवन वेरी गुड, आ जाओ जल्दी से। यश सिंह, यश सिंह ने आंसर दे दिया सबसे पहले सी। हम देखते हैं पहले तुम लोग का आंसर, फिर बच्चों हम आंसर दे देंगे, ठीक है सारे बच्चे। आकाश राज सी, तेज हो रहे हो तुम लोग हैं। अच्छा चलो यही समझाते हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब क्या हो गया? स्वीकार करना। एक्सेप्ट का मतलब क्या हो गया? स्वीकार करना। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब क्या हो गया? को छोड़कर, मतलब इसके अलावा, एक्सेप्ट दिस पेन आई वॉन्ट ऑल, मतलब इस पेन के अलावा हमें सब चाहिए। आई एक्सेप्ट दिस पेन, हम इस पेन को ले लेते हैं। बताओ जल्दी से ए बी सी डी। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, बहुत बढ़िया वेरी गुड। अब एक्सक्लूड, एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है? छोड़ना। एक्सक्लूड का मतलब बच्चों क्या होता है? छोड़कर।
एक्सक्लूड, अग्री माने मानना। तो जितने बच्चों ने सी ऑप्शन दिया था, बिल्कुल सही जवाब। देखो एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार कर रहा है ना, एडमिट कर रहा है, ले रहा है, टेक इट, टू टेक इट। जबकि एक्सेप्ट का मतलब को छोड़कर, एक्सक्लूडिंग जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको छोड़कर। ये देखो सारे गए ना खेलने, तो एक्सेप्ट इसको क्या कर दिया, इसके अलावा सब खेलने चले गए। वेरी गुड, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ए बी सी डी। तो बिल्कुल आपका सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, ये आसान था ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया ना। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, और ये सीडीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। ये बच्चों आपका सीडीएस में होम ऑफ फोन आया हुआ है, और जिस साल सीडीएस में आया था उसी साल एनडीए के बच्चों को हमने समझा दिया था कि होम ऑफ फोन्स इंपॉर्टेंट है, किसी भी साल किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और देखो इस बार आ गया, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। चलो क्लैपिंग कर लो अपने लिए सारे बच्चे, जितने जितने। हाँ शिवम पांडे, भारत माता की जय। पवन, बी वाला ऑप्शन समझा दे। देखो एक्सटेंड का मतलब होता है खींचना, एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब होता है किसी चीज को खींचना, जैसे रबर बैंड होता है, रबर बैंड को एक्सटेंड किया जा सकता है, खींचा जा सकता है। तो एक्सेप्ट का मतलब खींचना थोड़ी हुआ, छोड़ कर हुआ, अलग कर कर हुआ। गॉट इट एवरीवन? आ जाओ नेक्स्ट। ये भी बहुत दुख है भाई, ये भी बहुत बड़ा दुख है, इमिग्रेट और एमिग्रेट। किसको किसको आज तक डाउट हुआ है इमिग्रेट और एमिग्रेट में? रवि आर आर, क्लास डेली होती है? हाँ बेटा क्लास ऑलमोस्ट डेली होती है आपकी। हिमांशु तिवारी, सौरभ, सुयांश, आकाश, जनक, वेरी गुड। आज ये क्लियर हो जाएगा किसको किसको इसमें डाउट होता है, आज ये हम क्लियर कर देंगे। बताओ जल्दी से। पवन, रसीदुल, वेरी गुड। देखो एमिग्रेट का मतलब होता है स्वदेश त्याग कर विदेश में बसना, स्वदेश त्याग कर विदेश में बसना, ये है आपका एमिग्रेट। जबकि इमिग्रेट का मतलब क्या होता है, परदेश में बसना। अब हम यहाँ पे स्वदेश को नहीं त्याग रहे, जैसे मान लीजिए सोनम कपूर, सोनम कपूर इंडिया में नहीं रह रही है, उन्होंने अपना घर ले लिया भाई कहीं बाहर, अब लंदन में लिया जहां लिया है फिलहाल, तो वो वही रह रही है राइट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इमिग्रेट किया, एक घर वहां भी है बट अभी कहां रह रही है परमानेंटली, दूसरी जगह। सो शी हैज इमिग्रेटेड। वेयर एज एमिग्रेट का मतलब क्या हो गया, हम परमानेंटली एक देश को छोड़कर दूसरे देश में बसने चले जाएं, दैट इज नोन एज एमिग्रेट। है बेटा, है सुयांश नलायको, ये बाद में बता देंगे। हाँ जी अभिषेक, नंदनी जैन, बेटा अभी क्लियर हुआ सबको, जल्दी से बताओ। यस, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, बिल्कुल आया था, बिल्कुल आया था, बिल्कुल आया था। शिवम थैंक यू बच्चा। तो देखो इमिग्रेट, इमिग्रेट मतलब क्या हुआ, स्वदेश त्याग कर विदेश में बसना, ये बोरिया बिस्तर लेके चल दिए, और इमिग्रेट माने परदेश में बसना। तो इमिग्रेट का मतलब क्या हो गया, जल्दी से बताओ, टू लीव फॉर अनदर कंट्री, मतलब हमने छोड़ दिया, और इमिग्रेट मतलब क्या हो गया, टू अराइव एट अनदर कंट्री, और ये क्या हो गया, लीव एट वन कंट्री। चलो बताओ जल्दी से ए बी सी डी, अब तो सही बताओगे, बताओ जल्दी से सारे बच्चे। मुंदर यादव, बिल्कुल बच्चा, हाँ जी हाँ जी। नंदनी बिल्कुल आना है, यही तो हम चाहते हैं कि जो बच्चे ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं उनको ऑनलाइन ऐप के थ्रू, लाइव क्लासेस के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सुविधा मिलती जाए, ताकि भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चा अपने सपने को साकार कर पाए। और कुछ इतने मक्कार बच्चे होते हैं जिनको पढ़ना ही नहीं है, हर चीज सुविधा मिल रही है, माँ बाप सारी सुविधा दे देंगे बट उनको पढ़ना ही नहीं है, उन्होंने कसम खाई है कि हम तो आवारागिरी करने आए हैं बस। तो अच्छे बच्चे बनो, क्योंकि अल्टीमेटली फ्यूचर इज इन योर हैंड, यू वॉन्ट टू बी गुड यू हैव टू वर्क फॉर इट, यू वॉन्ट टू बी बैड यू आर ऑलरेडी वर्किंग फॉर दैट। जल्दी से क्या हो जाएगा, वेरी गुड। सुयांश, प्रियांशु, यश, हिमांशु, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों।
नहीं नहीं नंदनी जी, बिल्कुल याद है, हम अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं भूलते हैं। जय हिंद सच्चिदानंद। आकाश बिल्कुल ऑप्शन देखिए, बिल्कुल वेरी गुड, गुड आफ्टरनून आकाश पांडे, सौरभ, मोहन, सत्या, वेरी गुड बच्चों। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इमिग्रेट माने टू लीव फॉर अनदर कंट्री, और इमिग्रेट माने टू अराइव एट अनदर कंट्री, जबकि बाकी के ऑप्शंस में अब यहाँ पे लीव फॉर अनदर कंट्री बट इलीगली दिया है, गलत। लीव फॉर अनदर कंट्री नहीं, अराइव होगा, टू अराइव तो ठीक बट इलीगली वाला कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया, डी फॉर दिल्ली। बच्चों सबको क्लियर हो रहा है, और जितने भी हमारे नए बच्चे हैं जल्दी से सेशन को लाइक करें, सारे बच्चे जल्दी जल्दी से आ जाओ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में सिनोनिम्स के तौर पे अक्सर पूछा गया है ये शब्द, इमोलेट, सीडीएस में भी और एनडीए में भी। ध्यान देना इस शब्द का मतलब क्या होता है। जी जी ट्रेन से उतरिए आप, आराम से मिलिए। इमोलेट, इमोलेट देखो, इमोलेट देखो मिट्टी का तेल, इमोलेट को रिलेट करो मिट्टी का तेल से, मिट्टी का तेल जलाकर मार देना या नष्ट कर देना। इमोलेट मतलब जलाकर मार देना या नष्ट कर देना। वोकैबुलरी को रटना नहीं है, समझना है, रिलेट करना है उसको। हम जब बच्चों के नाम नहीं याद होते तो कैसे वोकैबुलरी आप रट सकते हैं बच्चों, बिल्कुल वोकैबुलरी नहीं रटनी है, है ना। इमोलेट मिट्टी का तेल डालकर हमने क्या किया, जलाकर मार दिया या नष्ट कर दिया, इज दैट क्लियर। और देखो इसका सिनोनिम क्या होता है, एम्यूलेट किसी की नकल करना। आगे देखो इनको क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, किसी की क्या करना, नकल करना किसी की, है ना, किसी को कॉपी करना, एग्जैक्टली, वेरी गुड। अब देखो एक वर्ड था इमोलेट, इमोलेट का मतलब होता है जलाना, इमोलेट का मतलब क्या होता है, जलाना। यहाँ पे फोकस है इस वर्ड पे, इमोलेट पे, बर्न करना, जलाना। इमोलेट मतलब टू बर्न, है ना, और इम्यूलेट माने किसी को कॉपी करना। सिनोनिम्स देखो, इमिटेट, और क्या हो सकता है, सिम्यूलेट। सिम्यूलेट का मतलब ये हो गया किसी के जैसा काम करना, किसी के जैसा काम करना, सिम्यूलेट क्या हो जाएगा, सिम्यूलेट, वेरी गुड। दिमाग खाली हो जाता है, वेरी गुड मंदर, आप ऑफलाइन मार्च में आएंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी बच्चों। आकाश दिमाग खाली मत करो, सत्या पेट्रोल से नहीं जलाना है, मिट्टी के तेल से जलाना है। अब यहाँ मिट्टी का तेल रिलेट हो रहा है तो हम क्यों पेट्रोल डालें, बिल्कुल। तो इम्यूलेट माने जलाना, जला देना, बर्न कर देना। इम्यूलेट माने किसी की नकल करना, कॉपी, इमिटेट, स्टिम्युलेट, ठीक है, या सिम्युलेट। क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ क्लियर हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन में, आंसर ढूंढो और बताओ आंसर क्या हो जाएगा, क्विक। सारे बच्चे जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा, क्विक क्विक, ए बी सी डी। सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस की तो कोई बात ही नहीं की थी ना बच्चों, सैक्रिफाइस की तो कोई बात ही नहीं करी थी। जल्दी जल्दी से वेरी गुड, सक्सेस होके जलाएंगे। हाँ जी हाँ जी, सक्सेस होके तो जलाना होता है। देखो एक्शंस आर ऑलवेज लाउडर देन वर्ड्स, इस बात को गांठ बांध लो, अपने एक्शन से काम करो, शब्दों से काम नहीं किए जाते, बातें तो वो करते हैं जिनके हाथ में कुछ नहीं होता, एग्जैक्टली। अब देखो यहाँ पे ये ऑप्शन हो सकता था बट डिस्ट्रॉय आ गया है। हमने बोला था फोकस इमोलेट में है बर्न, बर्न करना किसी को, जबकि एम्यूलेट माने कॉपी करना किसी को। तो यहाँ पे बर्न के एक ही दो ऑप्शंस हैं अब, बट ये ऑर्नामेंट्स वाला ऑप्शन नहीं है। कौन सा हो गया, सी फॉर चंडीगढ़। रितेश, सौरभ, प्रकाश, मोहन, वेरी गुड जनक, प्रकाश, वेरी गुड, तेज हो रहे हो तुम लोग, है पढ़ाई लिखाई कर रहे हो अच्छे से, मतलब वेरी गुड ऑल ऑफ यू। आशीष, शुभम, प्रकाश, बहुत बढ़िया, आ जाओ नेक्स्ट वर्ड आपके सामने। ये आया था इस बार एनडीए के एग्जाम में,
ये बच्चों इस बार एनडीए के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, हम आपके सामने लेके आए हैं रिवीजन के तौर पे, और आप जल्दी जल्दी इसका आंसर खुद से बताओगे। वेरी गुड स्टडी नॉलेज, वेरी गुड, बहुत तेज हो तुम। अब देखो प्रिंसिपल, स्कूल में प्रिंसिपल दिखते हैं? हाँ दिखते हैं। तो प्रिंसिपल माने प्रधानाचार्य, जबकि प्रिंसिपल माने क्या होता है? मॉरल प्रिंसिपल्स बोलते हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत, मतलब क्या हो जाएगा? सिद्धांत। पवन ठाकुर वेरी गुड, जिसको हम कह सकते हैं मॉरल प्रिंसिपल या फिर कह सकते हैं रूल, है ना, मॉरल रूल्स, नैतिकता। बताओ जल्दी से क्या होगा बच्चों आपके सामने? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल माने प्रधानाचार्य। स्कूल में होते हैं प्रधानाचार्य, सबके स्कूल में हुआ करते थे, हाँ है ना। प्रिंसिपल माने मॉरल रूल्स, सिद्धांत आपके। बताओ ए बी सी डी क्विक। अरे रितेश बेटा इंग्लिश का पेपर नहीं चेंज हो गया, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला है बस, तुमने तो पेपर ही चेंज कर दिया पूरा। पेपर नहीं चेंज हुआ है, कुछ क्वेश्चंस पूछने के तरीके में बदलाव आया है। आप हमसे पढ़े होते, हम आपको पूरा पेपर समझा रहे होते कि बेटा फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, कॉम्प्रिहेंशन भी आ सकता है। जी वेरी गुड, जितने बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं अपने पीठ थपथपा लें, क्योंकि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रिंसिपल माने मॉरल रूल, जबकि प्रिंसिपल माने हेड ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल, यहाँ पे किसी विश्वास की बात नहीं हो रही है, हेड तो है बट यहाँ पे इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है। ओरिजिनल सम ये तो इन्होंने मैथ्स वाला प्रिंसिपल निकाल दिया, सीआई वाला, है ना, तो बट ये तो एक बार फिर भी हम मान लेते, बट ये प्रिंसिपल सही नहीं है ना, तो बिल्कुल सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ब्रावो, वेरी गुड एवरीवन। आ जाओ नेक्स्ट, कितना आसान है देखो। प्लेन, बचपन से प्लेन उड़ता किसने, अच्छा कौन कौन खुश होता था जब बचपन में प्लेन ऐसे उड़ के जाता था? सच्ची सच्ची बताओ कौन कौन खुश होता था, जल्दी जल्दी से बताओ किसको खुशी होती थी? रितेश बेटा ऑनलाइन भी शुरू, चॉकलेट चाहिए तुमको आशु? अरे सर इनको चॉकलेट दे दीजिए, चॉकलेट दे दीजिए। जल्दी से बताओ, जल्दी से कौन कौन खुश हुआ करता था जब बचपन में जाया करता था प्लेन सर के ऊपर से, तो किसको खुशी हुआ करती थी? बिल्कुल अभी भी खुशी होती है। जय श्री कृष्णा गुलफाम। रितेश, रितेश बिल्कुल पढ़िए आप हमसे, बिल्कुल पढ़िए, हमने कब मना किया, हम तो पढ़ाने के लिए खड़े हुए हैं, और हम किस लिए खड़े हुए हैं? और नलायको सेशन को लाइक करने के लिए कौन कौन बताएगा, कौन बताएगा सेशन को लाइक करना है, कौन बोलेगा ये बार बार? एक इसके लिए हम तोता पाल लेते हैं जो बार बार बच्चों को बताते जाए नलायको सेशन भी लाइक करना होता है। वेरी गुड मैम, स्कैन नहीं, नहीं बिल्कुल स्कैन ना भेजो नलायक, तुम इधर देखो, प्लेन देखो, जहाज, प्लेन। ये तो आपने ज्योग्राफिकल टर्म है ना, ये कैसा टर्म है? ज्योग्राफिकल टर्म है बच्चों, ये सादा या खुला मैदान है ना, ये क्या है? खुला मैदान। चलो बताओ क्या हो जाएगा? प्लेन, प्लेन। चिंता मत करो, अभी तुम लोग पढ़ लिख लो ना, जल्दी से पढ़ लिख लो, फिर तुम लोग भी प्लेन में बैठना, फिर तुम भी खुश होना, फिर अंदर बैठ के खुश होना। देखो अपने गोल्स को इतना बड़ा बना लो कि उसको पाने के लिए तुम और मेहनत करो, और शिद्दत से मेहनत करो, तो अपने गोल्स को इतना बड़ा बनाओ तो सही, सोचो बड़ा, इफ यू थिंक बिग यू डू बिग। चलो जल्दी से, हाँ जी बिल्कुल बैठेंगे जनक, वेरी गुड, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। सुनाली सी, स्टडी नॉलेज। सत्या तीन बार बैठे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, ब्रावो। अब जल्दी से आंसर दो इसको, जल्दी से। ए बी सी डी क्या हो जाएगा? अरे ये तो तुम लोग एक सेशन में दे दोगे। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, वेरी वेरी गुड, तुरंत आंसर देते हो तुम लोग, बहुत बढ़िया। सच्चिदानंद वेरी गुड, गुलफाम आशु बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब ये देखो, बचपन से पढ़ा है जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर. पेल का मतलब क्या होता है? PAIL. बचपन में ये कहानी, ये कविता पढ़ी है नहीं पढ़ी है? जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर. बचपन से इंग्लिश पढ़ी होती सही रहता बच्चों, है ना? ये कविता पढ़ी है, पोम पढ़ी है ये, पेल ऑफ वाटर, PAIL, पेल. बताओ जल्दी से, पढ़िए नहीं पढ़िए? जनक, सॉरी जनक, आप क्यों कंफ्यूज हो गए बच्चा? आप क्यों कंफ्यूज हो गए, जल्दी से बताओ. टू फेच अ पेल ऑफ वाटर, तो ये पेल माने क्या? बाल्टी, है ना? ये पेल देखो क्या है, पीला पड़ जाना, फीका पड़ जाना, मुरझा जाना. ये पेल का मतलब क्या हो गया रितेश? अरे बेटा हमने बोला ना, हमने ये बात आपको बताई तो रितेश, कि आप बिल्कुल पढ़िए. हमने कब रोका है आपको पढ़ने से? आप पढ़िए, पढ़ाइए. किस और मोड में पढ़ना है, ऑनलाइन ऑफलाइन? ये दो मोड तो पढ़ा रहे हैं, और कौन से मोड में पढ़ना है बेटा? मेरे हिसाब से तो दो ही मोड ऑफ स्टडीज है. जल्दी से. नो मैम, याद नहीं है? हाँ बिल्कुल आया था, पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है. ये पेल का मतलब क्या हो गया? फीका पड़ जाना, मुरझा जाना, सैड हो जाना, है ना, दुखी हो जाना. ठीक है, कोई डिसोन कर दे तो हम क्या पड़ जाते हैं? शिवम नहीं अभी नहीं खाना है, थोड़ा रुको बेटा. जनक, ये जो सी ऑप्शन है, देखो ना, ये सी ऑप्शन, प्लेन मीन समथिंग दैट फ्लाइज, जो उड़ता है. प्लेन माने फ्लैट सरफेस, ये दूर दूर लिख गया, सीधा सरफेस. ठीक है, आ जाओ, क्लियर है? अब आओ बताओ जल्दी से, इसमें क्या क्या हो जाएगा? पेल और पेल. ये पेल माने बाल्टी, ये पेल माने बाल्टी, और ये पेल का मतलब क्या हो गया? बहुत ही फीका पड़ना, है ना, डल हो जाना, डल. बताइए ए बी सी डी. पवन वेरी गुड, सत्या रुक जाओ. बस 5 मिनट और, 5 मिनट की और पढ़ाई है. ए भाई, तुम लोग को, तुम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो ऐसे भूखे भूखे प्राणी रहोगे क्या? भूखे पैदा हुए थे क्या तुम लोग? बताओ जल्दी से. 7 नंबर रिपीट कर दीजिए. जी बेटा बिल्कुल बिल्कुल रिपीट करते हैं. बताओ जल्दी से, पी ए एल ई या पी ए आई एल? अब देखो ये पेल क्या है? इंफीरियर. बिल्कुल नहीं, पेल फेडेड हो सकता है. पेल मीन्स इंफीरियर और अनइम्प्रेसिव. अब देखो यहाँ पे ये वाला पेल क्या दे दिया? फिर से गलत दे दिया, है ना, बिल्कुल इंफीरियर गलत है, ये भी नहीं हो सकता. पेल मतलब फेडेड, और ये पेल क्या है? बकेट. बिल्कुल सही जवाब, सी इज द करेक्ट ऑप्शन. सही है बच्चों, जल्दी से बताओ किसका किसका सही हुआ ये क्वेश्चन? सत्या, हाँ बेटा सभी भूखे पैदा होते हैं, सारे बच्चे भूखे पैदा होते हैं ना. बताओ जल्दी से, पढ़ाई की भूख नहीं लगती है कि कभी? पढ़ाई की भी भूख लगनी चाहिए, वो भूख लगाओ, उस भूख को इस भूख से मिटाओ, ये शब्दों को खाओ तुम लोग, जल्दी से. हाँ प्रियांशु वेरी गुड, सुयांश, मोहन, इस भूख को देखो. नेक्स्ट, ये बुक सबके पास है कि नहीं है? है ना, जितने भी मेरे बच्चे हैं सारे बच्चे इन बुक्स को जल्दी से ले ले, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं. एमकेसी का पेपर 50 वीडियो में दिखा चुके हैं, इसी से आता है. एमकेसी की बुक से ही यूपीएससी पेपर बनाती है. एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकैट हो, एयरफोर्स हो, सारे बच्चे 25% डिस्काउंट है, फ्री डिलीवरी मिल रही है, घर बैठे बुक्स मिल जाएंगी. एमकेसी पब्लिकेशंस की है, आज ही आज ऑर्डर करते हैं जल्दी जल्दी से. और लेक्सिकन को तो बिल्कुल ना भूलें. ठीक है, आ जाओ बच्चों. नेक्स्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास तौर से ये वर्ड बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आज ध्यान से देखो. मेटल मतलब तो धातु होता है, ये बात आप जानती हैं, है ना बच्चों? मेटल मतलब क्या होता है? धातु होता है, ये बात आप जानते हैं. बट मेटल माने होता है उत्साह, जिसको आप जानते हैं एक शब्द से, दैट इज एक्साइटमेंट. किस शब्द से जानते हैं? एक्साइटमेंट. किस शब्द से जानते हैं? एक्साइटमेंट मतलब उत्साह होना. और क्या सिनोनिम हो सकता है? रेजिलेंस. और क्या हो सकता है? रेजिलेंस मतलब हम क्या कर रहे हैं? खुश हो रहे हैं, क्यूरियस हो रहे हैं उस चीज को जानने के लिए. क्यूरोसिटी कह सकते हैं बच्चों आप, क्या कह सकते हैं? नहीं शिवम. तो मेटल मतलब क्या हो गया? धातु. जबकि मेटल माने उत्साह, रेजिलेंस, खुशी होना, मेंटल सेटिस्फेक्शन, है ना. आ जाओ
बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा सारे बच्चे, मेटल और मीटल, बताइए ए बी सी डी। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो और फिर आंसर बताओ बच्चों। एंथुजियाज्म, वेरी गुड। एनडी वॉरियर, गुलफाम, रितेश, ऑनलाइन मिल जाएगा बेटा, बिल्कुल ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। आप जल्दी से 9696330033 पे रितेश कॉल करो, आपको बिल्कुल ऑनलाइन मिल जाएगा। बच्चा बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा सारे बच्चे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, 15 तक क्वेश्चन होंगे, कम से कम 30 वर्ड्स तो आपके दिमाग में घुसे आज, इतनी तो पढ़ाई हमें करनी पड़ेगी। हाँ हाँ जय श्री राम तो बोलना है उत्साह से, बिल्कुल बोलना है। सो बिल्कुल यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। मेटल इज अ हार्ड शाइनी मटेरियल दैट इज अ गुड कंडक्टर, एंड मीटल का मतलब होता है मेंटल रेजिलियंस। अब देखो यहाँ पे मीटल को कंडक्टर दे दिया, सब्सटेंस दे दिया, मेलिएबल मेटल दे दिया, बच्चों ये तो जय महाकाल आशीष, जय महाकाल। चलो चलो शुरू हो जाओ, कोई बात नहीं, बफरिंग हो जाती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीजें होती है। अभी एक गेम खेलते समय, मूवी देखते समय बफरिंग होगी, तब नहीं रोगे, बफरिंग हो रही है, पढ़ो चुपचाप। चलो जल्दी से सारे बच्चे पढ़ाई करो, कोई बात नहीं। सत्या, तो एच ए आई एल, हेल। हेल मतलब होता है ओला पड़ना, ओले गिरते हैं ना ठंडी में, और एच ए और एच ए एल ई का मतलब क्या हो गया, मजबूत, हेल्दी, वेल, फिट होना। क्लियर है ये वर्ड सबको, हाँ या ना? बिल्कुल, आ जाओ जल्दी से ऑप्शन बताओ क्या हो जाएगा बच्चों। एच ए आई एल, एच ए एल ई, थैंक यू रितेश, सही हो गया, बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही है, चल रहा है। हाँ सुयान, ये बात सही है, मेरी क्लास में अगर बफरिंग ना हो ऐसे कैसे, हाउ कम, बफरिंग भी आएगी एक बार तो ये बच्चा जरूर आएगा, बफरिंग नाम का बच्चा। चलो जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। वेरी गुड, एग्जैक्टली यहां पे क्या हो जाएगा, एच ए आई एल मतलब पेलेट्स, पेलेट्स ऑफ फ्रोजन रेन, और हेल का मतलब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। बच्चों बी इज द करेक्ट ऑप्शन, एच आई एल माने बर्फबारी जो हो रही है, बर्फ जो गिर रही है, दैट इज हेल। हेल और स्टॉर्म बोलते हैं ना, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, एच आई एल, हेल और स्टॉर्म। इंग्लिश बहुत अच्छी है बच्चों, आप बहुत अलग अलग सब्जेक्ट से इसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हेल और स्टॉर्म होता है ना बहुत जगह पे, इवन वेदर फोरकास्ट में भी लिखा होता है हेल और स्टॉर्म। वहीं पे एच आई एल मतलब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, सही होना, फिट हो जाना। लास्ट वर्ड आज का आपका, कॉन्शियस और कंसाइंस, कॉन्शियस और कॉन्शियस, ये है कॉन्शियस। कॉन्शियस माने अचेत, जिसको हम कहते हैं वॉचफुल या केयरफुल, और ये क्या है, कॉन्शियंस, हमारा अंतर मन, हमारा अंतर मन। बिल्कुल बिल्कुल अंकित, बिल्कुल, ये आपके होमवर्क के लिए हो जाएगा, कॉन्शियस और कॉन्शियंस, ठीक है, कॉन्शियस और कॉन्शियंस। ये होता है एक आपको सही या गलत जो बताए, हमारा अंतर मन सही गलत में भेद कर पाने वाला, गॉट इट। चलिए तो ये था आज का सेशन, और सारे बच्चे कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर जरूर बताएंगे, और बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी, और ऐसी ही क्लासेस के लिए बने रहिए इस चैनल पे, और इसको सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।